नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली। डॉक्टर इशरत अली इंदौर में धर्म निरपेक्ष छवि के लिए मशहूर हैं। शहर के कई मौके आए जब शहर में विवादों की स्थिति उन्हीं के कारण टली। इंदौर में हज का एम्बार्केशन पॉइंट आने के पीछे भी डॉक्टर इशरत अली ही रहे और इंदौर से हज यात्रा सुलभ हुई। आपका स्वागत है इशरत अली साहब हमारे स्टूडियो में। आपका स्वागत। आपकी छवि एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति की छवि है जो आमतौर पर काजी लोगों में बड़ी मुश्किल होती है। आपके सामने मुश्किलें आती होगी इस कारण? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा देश जो है सेकुलर देश है और हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग जो हैं वो सेकुलर होना चाहिए और उनकी छवि भी सेकुलर ही होना चाहिए जिस तरह से मेरी छवि धर्म निरपेक्ष की है। हर इंसान को होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मजाहिब और जबान के और कल्चर के रहने वाले लोग हैं और ये देश तभी तरक्की कर पाएगा जिसमें सब लोग मिलजुल के भाईचारे से रहेंगे। अभी कुछ लोग मुठ्ठी भर तरक्की कर रहे हैं, अगर ये सब लोग की खुशी चाहिए तरक्की चाहिए तो इनमें आपस में मोहब्बत की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस मोहब्बत में आप तो पीसे हैं कई बार आपको आपके ही समाज के लोगों ने गालियां दी है, हमला करने की कोशिश की है। नहीं, होता क्या है कि कुछ अपने यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। एक सियासी कैरेक्टर होता है, एक मजहबी कैरेक्टर होता है, एक सामाजिक कैरेक्टर होता है, एक ताजिर का कैरेक्टर होता है। तो जो काम सियासी लोगों को करना चाहिए उनकी तरफ से नहीं हो पाते हैं तो आम इंसान जो है वो मजहबी कैरेक्टर से तवक्को करने लगता है। और दूसरी बात ये हो गई कि हमारे देश में आज़ादी के इतने सालों बाद हिंदुस्तान के आम लोगों को तीखा खाना और तीखा सुनने की आदत डाल दी गई है। तो कोई भी इंसान जब एक भड़कऊ और जज्बाती बात करता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे और कोई हो, तो सुनने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत मजहबी आते हैं और वो उसको अपना लीडर मानने लग जाते हैं। तो मेरी जानिब से भी उनकी कोशिश रहती है कि मैं भी इस तरह से कुछ अपनी बात रखूं और मैं नहीं कर पाता हूं। लेकिन सॉफ्ट स्पोकन होने का नुकसान आपको होता है। अब अल्लाह से इंसान डरे साहब, इंसान से क्यों डरे? आम धारणा है कि मुस्लिम समाज में लोग पढ़ते लिखते नहीं है, मदरसों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, ये बात सच है? देखें, असल में 1951 में सरकारी नौकरी में मुसलमानों का जो योगदान था जी, वो 22.5% था 1951 जी, 51 जी, और 2002 में वो 1.5% हो गया। 1951 में सरकारी नौकरियों में मुस्लिम लोगों का प्रतिशत 22 जी था, से ज्यादा था, 22 से ज्यादा था, और अब 2% हो गया। जबकि उस दौर में क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कम थी, मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा हुआ करता था, आज घर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है, ठेला चलाने वाला भी मुसलमान, उसकी सोच बदली है, वो 1 रुपया ज्यादा कमा के 30 रुपये महीने के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन जब नौकरियों की बात आती है तो वहां पर उसको लिए दरवाजे कुछ हद तक बंद पड़े हुए हैं। तो ये कह देना कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल निकाला, और 20 सालों में इंदौर में देखें तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन में आए हैं, इंजीनियरिंग लाइन में आए हैं, आईटी में आए हैं और दीगर जितने भी कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्लियर करके आए हैं, वो बच्चे आए हैं अलहमदुल्ला और बहुत तरक्की कर रहे हैं। या मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है तो क्या ये तुष्टिकरण नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि वालिद के 4 बेटे हैं और 3 बेटों ने तरक्की की और 1 बेटा तरक्की नहीं कर पाया, तो अगर उसको आरक्षण के मार्ग पर तरक्की करने का मौका दिया जाता तो उसमें तुष्टिकरण कहाँ होगी। उसको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी समाज के दिगर मजहब के और जबान के मानने वालों के साथ में खड़ा होकर अपनी जिंदगी को बसर करे। लोग कहते हैं कि मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए विदेश से बहुत पैसा आता है, आपके पास भी आता? नहीं, खैर मेरे पर्सनल तो ऐसा मसला नहीं है, पर इंदौर में जो सुन्नी अकायद के जो मुसलमान हैं वहां पर तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि दुनिया के किसी देश से कोई पैसा आया हो। जो पैसा है आप कहीं पैसा है कहां? हाँ। अब आप देखें मुस्लिम एरियों को जाके देखें तो आजाद नगर देखें, खजराना देखें, चंदन नगर देखें, ये बड़े घने इलाके हैं मुसलमानों के। हाँ।
और कभी भी अपना कैमरा मैन को आप वहां पे जाके भेजेंगे तो देखेंगे असली जिंदगी किस तरह से बसर कर रहा है, उसके लिए कोई उसके हक की आवाज उठाने की क्या पोजीशन है, किस तरह से जिंदगी बसर कर रहा है, तब आपको मालूम पड़ेगा उसका पैसा कहाँ है। क्या आप ये उचित समझते हैं कि गरीबों को या झोपड़पट्टी में रहने वालों को हिंदू और मुस्लिम में बांटें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अखबार में पढ़ा था मैंने WHO की रिपोर्ट में, हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और दूसरी कौम के भी लोग हैं, तो गरीब का तो कोई अपना धर्म है नहीं। वो ऐसा कहा जाता है कि जितने अपराध होते हैं उसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है, जेल में जो अपराधी बंद है वहां भी आप देखिए जितनी आबादी मुसलमानों की उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत जेल में बंद है, और वे अपराध करने के कारण है, सजा याफ्ता है कई लोग, तो अपराधों की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? एक जमाना था मुस्लिम बस्तियों में कुछ मुस्लिम नाजायज कारोबार पर मुलविस थे, और 20-25 सालों में अब आप देखेंगे कि तमाम बुराइयों से दूर हो चुके हैं इंदौर के मुसलमान। रहा सवाल अदालतों में और जेलों में, तो उसमें बहुत सारे बेगुनाह भी लोग बने हैं जो सियासत का शिकार होकर सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से उन पर कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको बंद कर दिया गया। चूंकि उनकी आवाज उठाने वाली कोई सियासी शख्सियत नहीं है इसलिए चुप है। जब भी मौका आता है, राष्ट्रभक्ति का मुद्दा आता है, तो मुस्लिमों को परीक्षा देनी पड़ती है कि हर व्यक्ति कहता कि यह मुस्लिम है और देशभक्त है, ऐसा कोई ये नहीं कहता कि हिंदू है और देशभक्त है, तो कैसा लगता है आपको? देखो, पाकिस्तान बन गया, सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये हो गई। पाकिस्तान नहीं बना होता तो ये परीक्षा देना नहीं पड़ती मुसलमानों को। देशभक्ति की बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान में सब कुछ तो बिकता है, देशभक्ति भी बिक रही है। ये बात अलग है कि मुसलमानों को हर मौके पर हर मोड़ पर कड़े इम्तिहान का सामना करते हुए गुजरना पड़ता है, और उसमें देशभक्ति भी है, हर वक्त लोगों को बताना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉम्बे में भी कुछ साल पहले एक आतंकी घटना हो गई, तो जो लोग जो जिम्मेदार लोग बैठे थे जो सिस्टम में, उनकी देशभक्ति कहाँ चले गई थी कि किसी दूसरे देश से लोग आकर यहाँ पे आतंकी हमला कर बैठे हो। बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं तब उनकी देशभक्ति कहाँ चले जाती है, इस देश को बेचने पे आमादा है तब उनकी देशभक्ति कहाँ चले जाती है। माइक पकड़ के देशभक्ति बोलना बहुत आसान है, हिंदुस्तान में देशभक्ति ढूंढना पड़ती है आज की तारीख में। बीच में अन्ना हजारे जी का भी जब ये मसला आया था भ्रष्टाचार को लेकर, तब भी हमने कहा था कि भ्रष्टाचार जो है वो रहेगा, है, रग-रग में फैल चुका है, और खत्म करने का बेहतरीन जरिया है कि हिंदुस्तान के लोगों में देशभक्ति की भावना भी भरी जाए, तब जाकर ये देश एक अच्छे मोड़ की तरफ मुड़ पाएगा। शहर काजी की भूमिका क्या होती है? कई सारे लोग जानते नहीं है, हमारे दर्शक भी बहुत से दर्शक है जो नहीं जानते कि शहर काजी की भूमिका क्या होती है और क्या काम होते हैं उनके, वो चुनाव से जी बनते हैं, नियुक्ति होती है, कौन करता है? शहर काजी का जो मूल काम है वो शादी निकाह तलाक जायदाद के बंटवारों में आपस में जो फैसला है वो करना, यानी जज की भूमिका या सरपंच की भूमिका, जज की भूमिका रही है। तो अंग्रेजों के बाद वो भूमिका अदालतों में कायम कर दी थी इंग्लैंड से जजों को बिठाकर, जी वो रही है भूमिका। उसके बाद अब ये रहेगी कि काजी एक निकाह शादी के अलावा तलाक के मसले हैं, मियां बीवी के अपने जाति मसाइल के मसले हैं, जायदाद के बंटवारों के मसले हैं, और ये कौमी एकता में आपस में बनाए रखना, तो एक उसकी भी मेहनत कोशिश रही है और करते रहे हैं आप हिंदुस्तान में जहाँ भी देखेंगे वो लोग। कई बार चांद को लेकर ईद की घोषणा में बड़े विवाद होते हैं, कहा जाता है कि साहब आपको चांद नहीं दिखा, आपको दिख गया, ऐसे विवादों में आप भी पड़े हैं, क्या होता है? ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अब चांद कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार से खरीद ले, जी ये तो अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। चांद नजर आ जाता है तो त्योहार मनाना ही पड़ेगा, तो नहीं नजर आया है तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के दबाव में तो ऐलान कर नहीं सकते, तो गुनहगार कौन होगा? इसके लिए भी दबाव पड़ता है कि चांद दिख गया ऐलान करो, ऐसा होता है। अब देखें साहब, हिंसान की बात छोड़े, चांद तो है दुनिया में कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही दिखेगा, तो जी
हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा है, वहां भी कहीं ना कहीं दिखेगा। हाँ हाँ। तो हुक्म के मुताबिक जिसने चांद देख लिया वो अपना त्योहार मना रहा है, आपको जब नजर आ रहा है आप अपना त्योहार मना रहे हैं, अगर आपको शरी शहादत मिली है तो आप मना लीजिए, आपको कोई शरी शहादत नहीं है ना ही चांद नजर आया है तो फिर अब कैसे उसको आप घोषणा कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। हज यात्रा में आपकी खिदमत बड़ी महत्वपूर्ण रही है कि आपने हज यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, क्या थी वो सुविधा? असल में क्या था कि असल में हमारा काम तो था नहीं, हमारे सियासी लोगों का काम था, पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जो गैर सियासी इंसान है वो जब इंदौर आए थे वो 2005-06 में जी, और हमारे मुफ्ती साहब और दूसरे तमाम लोग हम लोग मिले थे और उनसे हमने गुजारिश की थी कि मध्य प्रदेश में करीब 50 लाख की आबादी मुसलमानों की और ये नागपुर से और बॉम्बे से हज के लिए जाते हैं और लाखों रुपये खर्च होता है, टाइम ज़ाया होता है, परेशान अलग होते हैं, हमारा इंदौर का एयरपोर्ट इस काबिल है जिस तरह से शहर के दूसरे एयरपोर्ट के अंदर हजियों को जो सुविधा दे रखी है हज के जाने के लिए सीधी तरह से हमारे लिए दी जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी मांग को मंजूर किया और 2008 से सुविधा प्रदान की। चूँकि पहली बार मौका था, हम लोगों ने कोशिश की और शहर के चंद 5-7 कुछ हजरात थे उनके माली ताउन से वो काम करते ना, 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में नाम हुआ है। और इतना सब होने के बाद भी इंदौर में हज हाउस नहीं बन पाया, हमेशा अस्थाई हज हाउस बनता है जबकि लोग दानदाता मौजूद हैं, जमीन देने वाले मौजूद हैं, सरकार यहाँ से एम्बार्केशन पॉइंट बना दिया, यहाँ से उड़ानें सीधी हज के लिए जाती हैं, पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर एयरपोर्ट से जो गई थी वो हज के लिए ही गई थी जी, बेशक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हज हाउस बनने में क्या दिक्कतें आ रही, या कौन लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं, दुकानदार हैं, कौन है? हज हाउस इंशाल्लाह जल्दी बनेगा इंदौर में और सब हम लोगों की कोशिश है, सब लोग मिलजुल के अच्छा एक हज हाउस बनाएंगे। मैंने सोचा सभी लोग चाहते हैं कि हज हाउस बने, हिंदू उसके लिए दान देने के लिए तैयार है, मुस्लिम दान देने के लिए तैयार है, फिर ये दिक्कत समझ में नहीं आई। अब हमारे यहाँ जो सियासी निजाम है वो निजाम से तो आप वाकिफ है ही सही, पर मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी इंशाल्लाह इंदौर हज हाउस बनेगा। हज के लिए जितना कोटा होना चाहिए वो कोटा भी कम है ऐसा कहा जाता है, ज्यादा कोटा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हज के लिए जा सके, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मांग की जाती रही है भारत सरकार से कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से हज का कोटा दिया जाए जी। तो वो वक्ती तौर से थोड़ा बहुत देते रहे हैं, पर मुस्तकिल तौर से मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को देना चाहिए कि जितनी मुसलमानों की आबादी है, या तो मध्य प्रदेश की आबादी भारत सरकार के रिकॉर्ड में कम है इस वजह से शायद कोटा कम दिया गया है, या भारत सरकार देना नहीं चाहती, बहरहाल मुसलमानों की जितनी आबादी है उस मान से उनका कोटा मध्य प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। ये भी सुनने को आता है कि हज जाने वालों के साथ एयरलाइन वाले बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं, उनका सामान खो जाता है, कई लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से वाकिफ नहीं है, उन्हें परेशानी होती है, ऐसा क्यों? ये असल में 2008 में पहली दफे ऐसा हुआ था क्योंकि उसमें इंडार्गेशन पॉइंट बनने के बाद डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ से बॉम्बे जाती थी और बॉम्बे से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट जद्दा के लिए जाती थी, यहाँ से 100 मुसाफिरों को लिखा ले जाते थे और ऐसे 200-300 मुसाफिर बॉम्बे में जमा होते और सब फिर इंटरनेशनल से जाते और आते वक्त भी इसी तरह से आते, तो जब वो आते तो बॉम्बे से इंदौर आने में उनको 3 फ्लाइट लगती हैं, कई लोगों का सामान जो है ओवरवेट की वजह से कस्टमर रोक लिया, उन लोगों की जानकारी नहीं, ये नहीं थी कि इसका कस्टम चुकाना पड़ेगा, उसको रोक लिया गया गवर्नमेंट ने कस्टम विभाग ने, इस वजह से कई सामान नहीं आ पाया, इसी वजह से नहीं आ पाया कि जो सामान खरीद के लाए थे जो ओवरवेट था जी, तो ओवरवेट है तो नियम के मुताबिक जो वजन एयरलाइंस की छूट रहती है उससे अलावा अगर आप सामान ला रहे हो वजन का तो उसकी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगी, कई लोग ऐसा लेकर आए नहीं छुड़ा पाए, जब्त हो गया वो। ये भी सुनने में आया कि कई लोग विदेशी मुद्रा को लेकर बड़ी ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, उन्होंने धंधा बना लिया कई लोगों ने, ये भी है क्या? अब साहब मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में क्या नहीं बिक रहा है, अल्लाह भगवान ईश्वर सब तो बिक रहा है, कुछ लोगों का पेट उसी से चल रहा है तो वो वैसे ही बेच के चला रहे हैं। इंदौर के लिए आपकी आपकी किन सेवाओं को आप चाहेंगे कि इंदौर याद रखे, आपने क्या काम किए हैं जिस जो आप चाहेंगे कि इंदौर उन्हें याद रखे हमेशा? मेरा मैंने काम किया वो अपनी जगह है, आप पूरे हिंदुस्तान का
तमाम शहरों को देखे, 4,500 शहर हैं हमारे हिंदुस्तान में, 8.5 लाख गांव हैं हमारे यहाँ। इन 4,500 शहरों के मुकाबले में हमारा इंदौर जो कि मालवा बेहतरीन शहर है, मौसम के मिजाज के हिसाब से, पानी के हिसाब से, और लोग भी यहाँ रह रहे हैं असल इंदौरियन उनके हिसाब से, बड़ा सभ्य समाज इंदौर के अंदर रहता है, बड़ा सभ्य समाज इंदौर में रहता है आप कहना चाहते हैं। फिर कभी कभी वो असभ्य क्यों हो जाता है, क्यों मरने मारने पर उतारू हो जाता है, बिना बात के छोटी मोटी बातें लेके मैदान में उतर आता है, ऐसा क्यों? ये सियासी निज़ाम ऐसा है ना हम लोगों का। अभी साल अभी हैं करीब 1.5 साल हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव में, तो शायद हो सकता है मेरी बात आने वाले टाइम में सच साबित हो, क्योंकि जितनी जल्दी चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, टाइम आते जाएगा, इस टाइप से इस तरह के काम होते जाएंगे, वो करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का फायदा उसी में होता है। अभी देखें 5-7 साल से हमारे यहाँ पर पूरे मालवा में बिल्कुल अमन कायम है। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपको बहुत तवज्जो देते थे, अभी वैसी तवज्जो मिलती सरकार की ओर से या नहीं? दिग्विजय सिंह एक भले और नेक इंसान है और मेरे उनसे ताल्लुकात हैं, और शिवराज सिंह जी से? वो भी भले इंसान है, नेक इंसान है, मेरे उनसे भी ताल्लुकात हैं। मतलब सभी से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? ताल्लुकात तो सबसे होना भी चाहिए अच्छे इंसान के जी, क्योंकि सियासी नहीं है पर सियासी लोगों से ताल्लुकात तो है। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज मेकर्स में आज फिलहाल इतना ही। सर बहुत सॉफ्ट बोले।